जाएंगे और तुम समझते हो जिस साथ में मेरे हाथ टूट जाएंगे। छोड़ेंगे तो नहीं तुझे, बहुत परेशान करा तूने बच्ची को, क्या दुश्मनी है तेरी उसके? मुझे छोड़ दो। क्यों, उसकी जान लेने वाला था तो? चलो आग लगाओ उसके अंदर से तेजी से। अल्लाहुम्मा मुझे छोड़ दो, मेरे हाथ टूट जाएंगे। اللهم اني اعود اليك في هذه الحياه थोड़ी सी छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रही है। محمد عبدك ورسولك فلا تكلني الله نفسي فاينك تكلني لا تكل الله برحمتك فاجعلني عندك احدا توفي عندك احدا توفي يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى छोड़ दो चले जाऊंगा छोड़ दो मुझे خير मुझे छोड़ दो ना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे तुझे, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करा, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था? मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे किस गांव से पकड़े थे तुझे? मुझे छोड़ दो। शमशान का है तू, कब्रिस्तान का है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बहुत आग लगाएंगे तेरे अंदर, पूरा जला कर राख करेंगे तुझे, तेरे हाथ काट के, मेरे हाथ छोड़ दो, मेरे हाथ काट के, दोनों हाथ काट के तेरे बाहर टांग दूंगा। मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। कितने हजार साल पहले तेरी शादी हुई? मुझे नहीं पता। हाँ, कितने बच्चे तुझे, 100 है, 200 है, कितने? मुझे नहीं पता। कितने बीवियां हैं तुझे, 100-200 है, कितने? मुझे नहीं पता, मेरे हाथ छोड़ दो। कुछ नहीं पता, छोड़ दो। बाबा का रात चल रहा तेरे, लोगों को परेशान करने ऐसा आंग में घुस कर ना लाया। अरे बाप मुझे छोड़ दो, जकड़ो उसको तेज़। अरे बाप मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। कैसा करेंगे तुझे, कैसा छोड़ेंगे तुझे, बाप का जकड़ो उसको तेज सांस में। अब कहाँ जाएगा तू बच के? हाँ, क्या क्या कर रहा था इसको परेशान, सही सही बयान कर, क्या क्या कर रहा था? बाहर से मोटी ताजी दिख रही, अंदर से कमजोर कर दिया था उसको। हाँ, इसके सारे खून पी लिए। जोर से बोल। इसके सारे खून पी लिए। हाँ, और इसके सवार को मार दिया। अरे रे रे। इसके सवार का एक पहले साथी और थी, डिवोर्स करवा दिया मैंने। अरे रे। वो उससे बहुत प्यार करते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ। और क्या किया? और इसके दूसरे वाले से और भी बहुत प्यार करते थे, उसको सिर्फ मौत ही अलग कर दिया। अरे रे। उसे बहुत पागल किया, उसे दूसरे नहीं छोड़ा, उसे उसे, उसे बहुत लड़वाया, नहीं लड़ा उसने। कैसा मारा उसे? बहुत लड़वाए, उसे बहाना लगा के ले गया। हाँ, क्या कराया तूने ले जाकर उसको, कैसा मारा? उसे अचानक से बुखार आया, उसे मैं बुखार का बहाना दिया, उसे हाँ, ले गया मैं। हाँ, और बुखार का बहाना करा के मार दिया। बहुत अच्छे थे, भी बहुत प्यार करते थे वो। वो पूरी दुनिया से ज्यादा इसे प्यार करते थे। किस बीमारी पे डाल के मारा उसे? उसे कोरोना का बहाना लगाया, उसे मार दिया। अच्छा, गलत कराना तूने ऐसा, उसके छोटे छोटे बच्चे थे ना कमीने। ये बच्ची बहुत परेशान है, इसके पैसे के भी बहुत दिक्कत है, इसे इसके हाथ में कुछ लेना नहीं देते है। तू ही उड़ा देता क्या सर? इसके पास कोई स्रोत नहीं है पैसे का, है बहुत दिक्कत में। इसको कब मारने वाला था? इसको अम्मा से मारने वाला है? इसका माँ बाप भी बहुत गरीब है, सब गरीब है, इसको इसको सब मिल के परेशान भी करते है, कोई नहीं इसका है, अल्लाह के सिवा कोई भी इसका है। ना मैं तेरे को बहुत मारने वाला हूँ, तेरे हाथ वाता सब काट के ले लूंगा, अगर तुम्हें सवाल के जवाब नहीं देगा सही तो। ये जो बच्ची है तो इसको कब मारने वाला है? मास में पुन्नम में। हाँ, इसकी बच्ची को भी देख के लगता है इसकी बच्ची को भी मार दूं, पर नहीं, ये तो अकेली हो जाएगी ना। छोटी बच्ची को भी मारेगा इसके, ऐसा सोच रहा है देख देख कर।
छोटी बच्ची से बहुत प्यार करती है ये। और तू क्या कर रहा है, इसको मारने वाला है मास में पुन्नम में, क्या नाम है? मैं तो मारना चाह रहा था इसे। घसाला को कब मारने वाला है मास में पुन्नम में? मैं तो मारना चाहता हूँ। अच्छा मौका देखकर। इसे डॉक्टरी का बीमारी लगा कि बहुत खर्चे करवा दिए इसे। इसके पास कुछ नहीं है, इसके घर भी लोन भी कर्जे पे पड़े हैं, इसके घर में भी नोटिस आ गया है, इसके घर में भी सब बहुत धमकी पड़ते हैं कि घर से निकल जाओ घर बिक जाएगा। बहुत बच्ची को परेशान कर दिया, वो कुछ नहीं है बच्ची को। जकड़ लो उसको और तेज से आग लगाओ उसके अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। क्या जल्दी बोल। नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे। लगाएगा उस घर में परेशानी, तवंगरी, कर से नजात दिलेगा क्या? फिर उसको कर्जे में डुबाएगा? इसका घर बचा देंगे। इसका घर नहीं जाने देंगे। बच्चा बेघर हो जाएगा। इसका सब इसका है ना, दुश्मन है चारों तरफ। कोई भला नहीं किया था, बोला था क्या कोई है ना, मैं बोली हूँ मुझे है ना कोई नहीं हटा सकता। हाँ ऐसा बोला था। हाँ जी बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? मैं बोली हूँ नहीं, हजरत नहीं बोल रहा, दुनिया में कोई नहीं हटा बोल रहा था। उधर पहले झूठ बोले थे हजरत, आपके पास झूठ नहीं बोलते हजरत। ये आ रहा था, नहीं बोलेंगे हजरत। अब आएगा दोबारा बार बार उसके अंग पर? हजरत आप कैद कर लीजिए उनको, हम नहीं आएंगे। गलती से भी नहीं जाना उसके उधर, कैद कर लीजिए, आपका सेवा करेंगे, हम नहीं जाएंगे। चलो ले लो इसको निकाल कर, इज्जत से उसको इधर ले लो निकाल कर। दोबारा दिखना नहीं होने मुझे उसके आंग में। और उसको जो खिलाए वाली दवा है वो उल्टे और जुलाब लगा के बाहर निकालो। कौन डाला था तुझे इसके आंग में लाकर, क्यों डाले थे पहले वो बोल। हाँ मैं इसको 12-13 साल इसके से इसके पीछे हूँ, बहुत ही मुझे खूबसूरत लगती थी। अच्छा डाला कौन था तुझे उसके आंग में? नहीं आता तू खुद ब खुद, वैसा रूल सी नहीं है। कौन थी वो औरत थी आदमी था? हाँ कौन था औरत थी आदमी था? अच्छा उसके माँ के तरफ से रिश्ते में थी, बाप के तरफ से थी क्या, ससुराल की तरफ से? नहीं मेरे बाप के रिश्ते की तरफ से थे। अच्छा बाप के। दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी कुछ नहीं, बच्ची अच्छी लग रही थी। बच्ची खूबसूरत दिख रही बोल के उसको बर्बाद कर देने का था जान लेकर। बच्ची से गुड़िया की तरह दिखती थी। हाँ ये बच्ची को पूरा जिंदगी बर्बाद करना चाहिए। बच्ची का हाल ऐसा कर दिए, इसको पूरा भीख मंगवा। हजरत मेरे सपने में भी आया, दो तीन दिन पहले इसको बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, नेचुरली बीमारी है। पूछ किया क्यों किया? वजह साथ ही ले जाएंगे, साथ में ले जाना था बोलकर। अब क्या करेंगे आप? तो अब कब ले जाने वाला था उसको साथ में? टाइम 2 महीने बाद। अब मास में पूनम में? पूनम में। अच्छा 2 महीने बाद पूनम में ले जाने वाला था। ठीक है जकड़ लो उसको तेजी के साथ में। अब क्या करना रे, तुझे छोड़ना क्या, मार के डाल देना। क्या किया जाए तेरे साथ कम वक्त, बहुत गुस्सा वाला मुझे बता। दोनों हाथ वाथ काट के बाहर टांग दो, क्या करेगा दोबारा परेशान? हाँ बच्ची को सतेगा वो? मैं भी मजबूर हूँ, मैं सोचता हूँ इसका पीछा छोड़ दो। हाँ इसके बगैर मेरा मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता मुझे ना। तो आप मुझे कैद कर लो ना। अच्छा नहीं लग रहा तुझे तो मुझे रख लो, आप रख लो। तो किसको मानता है तू? अच्छा तू मानता कौन से देवी देव बर्बाद हो गया, किसको मानता, किसकी पूजा? आप यही रख लो मुझे। किसको फॉलो करता तू, किसको फॉलो करता, नाम बोल मुझे। हिंदू है तू, मुसलमान है तू? मुसलमान है। अच्छा कौन से पीर को मानता था तू? हाँ खबीस है तू, हिंदू है तू? मुसलमान। कौन से पीर को मानता, कौन से दरगाह को मानता, कौन से देव को, कौन से पैगंबर, किसको फॉलो करता था? गौ से पाक को फॉलो करने वाले लोग ऐसे परेशान नहीं करते किसी के आंग में बैठ के जिन्ना था नालायक। मैं
नहीं जानता था ना। चल बोल, मुझे कसम है, पीराने पीर दस्तगीर की, मुझे कसम है, जोर से बोल, मुझे कसम है, ए खड़े रह के ले, हाँ मुझे कसम है, मुझे कसम है, पीराने पीर दस्तगीर की, पीराने पीर दस्तगीर की, गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की, गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की, मैं आज से ये लड़की को गजाला परवीन को कभी तंग नहीं करूंगा, और इसको जितने भी अमल अमलिया से बीमार लगाया वो सब निकाल दूंगा वापिस, ये मेरा वादा है। अब मैं दोबारा इसको कभी परेशान नहीं करूंगा, कसम है मुझे गौस पाक की, और मैं आज से गुलाम हूँ सैयद टीपू सुल्तान का, आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, अब इनके ही खानदान की गुलामी करूँगा बर रोज़े क़यामत तक, आज से ये मेरा वादा है, जो भी हजरत सैयद टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बुरा सोचे या कुछ बुरा करने की कोशिश करेंगे उनके दिमाग पढ़ लूंगा, और फौरी उनके घरों पर जाकर हमले करूंगा, चाहे वो कोई भी हो और कितने भी बंदिशों के अंदर रहो, सारे बंदिशें तोड़ते हुए वहां पहुंचकर उन पे हमला करूंगा, ये मुझ पे वाजिब है, ये मेरा वादा है। चल बाहर जा और खड़े हो जा, छोड़ दे बच्ची को, और दवा भी उल्टी जुलाब करा के बाहर निकाल देना उसकी, ठीक कर दूंगी, बच्चे का सब कुछ मैंने बर्बाद कर दिया जी, वो तो तू सब राइट करेगा, उसका भी राइट करेगा, सब करेगा, पहले उसका राइट करेगा तेजी के साथ में, बच्ची का जितना इस बच्चे का बर्बाद किया उतना इस बच्चे को इज्जत दिलाऊंगा, सब कुछ सब खत्म कर दिया, छोड़ के जाओ उसको, दोबारा दिखना नहीं मुझे, अब उसके आंग में चला गया, अब मैंने तेरे को एक बार कसमा देके वादे में लेके सब दे दिया हूँ मौका, दूसरी बार मैं मौका नहीं देता, फिर अगर जलाल में आ गया तो पूरा जला दूंगा, ये पानी पिलाओ उनको, चल जा बाहर मेरे फौज में शामिल हो जा।